बताइए, हमारा नाम सुरेंद्र पांडे है। किस पद पर हैं आप? हम यहाँ एसके सुपरवाइजर के। तो आपने हड़ताल क्यों कर रखी है? ये हड़ताल का हमारे उद्देश्य कोई मतलब आप लोगों की व्यवस्था नहीं है। ये हड़ताल हम लोग हैं कंपनी के व्यवस्था और प्रबंधक के व्यवस्था के तहत शिकार हो रहे हैं। हमारे हकों को मारा जा रहा है। हमारा एक कर्मचारी रोहन अंसारी है, विगत कई माह पूर्व सफाई के कार्य के दौरान उसको सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के ओटी के एक कैथ लैब की जो मशीन है वो टूट जाती है। उसकी एग्रीमेंट हम लोग का डेली बेस पर हमने प्रबंधक को भी दिया, कंपनी को भी दिया। कंपनी की तरफ से क्या आश्वासन मिला आपको? कंपनी के द्वारा दुविधापूर्ण आश्वासन दिए जा रहे हैं। कंपनी का क्या नाम है और किसको आवेदन दिया? कंपनी देखिए, कंपनी यहाँ दो है। एक हाइट्स है, जो हाइट्स से टाई अप है एजाइल। तो हम लोग प्रबंधक से जो टाई अप है वो हाइट्स है और हाइट्स फिर एजाइल को दिए। तो हम लोग एजाइल पर काम कर रहे हैं, जो एजाइल टाई अप हाइट्स है, रेडी कॉन्ट्रैक्ट पर काम चल रहे हैं। तो आपने पहले किसको दिया आवेदन? पहले प्रबंधक को दिए हैं, कई माह पहले से देते आ रहे हैं। कंपनी को आपने आवेदन दिया है तो उसकी तरफ से क्या उत्तर मिला? कंपनी के द्वारा कोई यथाउचित आश्वासन नहीं दिया जा रहा है। गुमराह किया जा रहा है कि आपको रखा जाएगा, नहीं रखा जाएगा, ऊपर बात करेंगे, दो दिन बाद अधिकारी आएंगे तब बात। क्या कारण है आपका आंदोलन करने के लिए? हमारे लोग का आंदोलन का मूल उद्देश्य ये है कि हमारे जो कर्मचारी को हटाया गया उसकी सेवा जारी की। क्यों हटा दिया गया, कारण क्या? कैथ लैब की मशीन कार्य के दौरान टूट जाने के कारण उसको पद से वंचित कर दिया गया। 5 लाख रुपये का जुर्माना हुआ टैक्स। देखिए क्या है कि प्रत्येक सप्ताह के एक दिवस में ओटी की सफाई होती है, धुलाई। तो हमारी ऑटो स्केयर मशीन के द्वारा हमारे सफाई कर्मचारी, मशीन ऑपरेटर और वहाँ के जो सिस्टम चार्ज के निरीक्षण के दौरान वहाँ पे धुलाई कराई जाती है। तो धुलाई के दौरान तार जो होती है बिजली की वायर में उसका बाव फंस जाता है, जिसके कारण वो स्लिप हो जाता है। स्लिप हो जाने के कारण वो अनियंत्रित हो जाता है, मशीन से टकरा जाती है वो मशीन, तो उसका एक हैंडल टूट जाता है, जिसके जुर्माने के तौर उसके द्वारा माफ़ीनामा भी सौंपा जाता है हमारे कर्मचारी का कि हमसे त्रुटि हुई। इस अव्यवस्था के कारण उसको पद से वंचित कर दिया जाता है, जो कि वो मिस्टेक है, न कि कोई जानबूझ के साजिश की गई, तोड़ा गया नहीं। मशीनें अपने आप में सब ठीक है। फिर ऐसी दुर्घटनाएं क्यों हो रही हैं? नहीं, कि धुलाई सर पानी के कारण पाव फिसल सकता नहीं। ऐसी व्यवस्थाएं अगर प्रबंधक के द्वारा या कंपनियों के बड़े अधिकारियों के द्वारा हो जाती है तो क्या उड़ान देते हैं? ऐसे तो हॉस्पिटल भी क्षतिग्रस्त होती है। मैं आपको बता दूं, हमारे अभी कम से कम 7 से 8 कर्मचारी जो हैं जिनको कंपनी के इस आईसी कार्ड का लाभ नहीं मिला है। किसी का हाथ टूटा है, किसी के दांत टूट गए। अभी हमारा एक रुद्र वार्ड वर्कर एक्सीडेंट का शिकार हुआ कार्य के दौरान, अभी बिहार जैसे हॉस्पिटल में एडमिट है। 10-10, 100-200, 200-500 रुपये का चंदा जुटा के हम इलाज करवाने का काम कर रहे हैं। कंपनियाँ प्रबंधक पल्ला झाड़ने का काम कर रहा है। तो ये बताइए, इसका किसी के जीवन का जिम्मेदारी लेगी कंपनी? हम ठीक है, हम उसको टाल देते हैं। तो अगर जिनका जीवन जा रहा है, जिनके हाथ पाँव टूट गए, तो क्या कंपनी उनका जीवन लौटाएगी, उनके हाथ पाँव लगाएगी? जो एस्टिमेट दिए जा रहे हैं कंपनी के द्वारा, ठीक है, सफाई संबंधी, सेफ्टी संबंधी, पर वो पूर्ण रूप में नहीं दिए जा रहे हैं, आज तक नहीं दिए जा रहे हैं। चाहे वो सेफ्टी संबंधी हो, चाहे मशीन की चीज़ें हों, चाहे ड्रेस हो, चाहे यूनिफॉर्म हो, चाहे ग्लव्स हो, ये नियमित रूप से कोई बदलते नहीं। मतलब सुविधाएँ आपको नहीं मिल रही? अभाव पर ही संस्था और कर्मचारी काम कर रहा है। इसमें कोई गलती हो जाती है तो ब्लेम होता है उसके ऊपर, दर्ज होता है, उसको कार्य से वंचित करने का। आश्वासन क्या मिला आपको अभी? देखिए अभी तो हम जस्ट आ रहे हैं, हमारे कर्मचारियों से बात हुई है, तो एक बार आश्वस्त करते हैं, फिर एक बार कहते हैं अभी नहीं हो पाएगा, थोड़ी देर हम अपने अधिकारियों से बात करते हैं। तो गुमराहपूर्ण आश्वासन आंदोलन की रूपरेखा तो कई चीज़ों को लेके है। जैसे ई एस आई सी का जो कार्ड है वो अभी हमारे किसी कर्मचारियों को नहीं मिल पा रहा है, ना तो टाइम से कोई पेमेंट रिलीज हो रही है। मनमानीपूर्ण कंपनी पेमेंट डालती है, मनमानीपूर्ण पैसा काट लेती है। तो हमारे कर्मचारियों को किसी त्रुटि वंचित किया जा रहा, उनकी वापसी होनी चाहिए, यही सम्मागी हमारी रहेंगी।